होती है कि जब आपके पास कोई भी ग्राफ हो तो उसमें एडजेसेंट वर्सेस को आप सेम कलर नहीं दे सकते। तो फिर क्या है कि अगर मैंने इसको कलर करना, तो मैं इसको ये लेट से ये सेकंड कलर जो है वो ये ग्रीन कलर मैंने दे दिया, ठीक है, तो ये सेकंड कलर जो हमारे पास ये आ गया। और यहाँ पर अब जो है, यहाँ पर अब मैं ग्रीन कलर भी दे सकता हूँ लेकिन ब्लू नहीं दे सकता। तो ब्लू क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यहाँ पर जो है ये सिर्फ एडजेसेंट है, तो ये यहाँ पर मैंने इसको भी ग्रीन कलर दे दिया। तो सिमिलरली जो है, अगर इस थर्ड वर्टेक्स को देते हैं तो अब इसको ग्रीन नहीं दे सकते क्योंकि ये इसके साथ एडजेसेंट ग्रीन कलर है, और ब्लू भी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर एडजेसेंट ब्लू कलर है, तो यहाँ पर इसको मैंने जो है रेड कलर दे दिया। ये थ्री कलर्स के साथ मैंने इसको जो है कलर करके दिखा दिया। तो ये भी हो सकता है कि हम जो है यहाँ पर जो है सारे के सारे डिफरेंट कलर ही यूज कर लेते, तो लेट से ये जो है इसको मैं ये कलर दे देता। तो ये चारों जो है वो जितने आपके पास वर्सेस हैं सभी के सबको जो है वो डिफरेंट कलर आप दे दें, तो वो भी जो है वो पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन वो तो फिर ऑप्टिमल नहीं होगा। जो कलर आप कर रहे हैं वो ऑप्टिमल नहीं होगा। तो यही चीज जो यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि ग्राफ जी लेना है लेकिन विदाउट लूप्स लेना है। विदाउट लूप्स लेने की वजह आपको समझ आ जाती होगी कि विदाउट लूप्स जो है आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर ग्राफ के अंदर जो है लूप मौजूद है, तो लूप मौजूद होने से, लेट्स से अगर यहाँ पर अगर लूप मौजूद है, तो लूप मौजूद होने से ये वाला वर्टेक्स जो है इटसेल्फ के साथ एडजेसेंट हो गया। अब हमने क्या कहा है, एडजेसेंट वर्सेस को डिफरेंट कलर देने हैं, तो फिर इसको तो हम कलर कर ही नहीं सकेंगे। तो दैट्स व्हाई जो है वो जो है हम लूप्स जो है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे ग्राफ के अंदर। तो ये जो चीज है ये लूप्स मौजूद नहीं होगी। और मल्टीपल एजेस जो है उसका कोई स्पेशल रोल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर मल्टीपल एज आ जाती है तो वो एक्चुअली जो है वो दो वर्सेस को मजीद एडजेसेंट कर रही है, तो फिर उसमें जो है कलरिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट्स वाई वो मल्टीपल एजेस भी इनफैक्ट जो है कोई ऐसा रोल प्ले नहीं करती। तो जी जो है, जी इज के कलरेबल, जी जो ग्राफ है हमारा वो के कलरेबल होगा, के कलरेबल होगा जी ग्राफ हमारा व्हेन वी कैन असाइन वन ऑफ के कलर्स, जो हमने के कलर्स चूज किए हैं, टू ईच ऑफ द वर्टेक्स सो दैट एडजेसेंट वर्सेस हैव डिफरेंट कलर्स। क्या हो कि जो हमारे पास एडजेसेंट वर्सेस हैं उनको जो है हम डिफरेंट कलर दे सके, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है क्या कहलाएगा, वो जी जो है वो के कलरेबल जो है वो ग्राफ कहलाएगा। तो फिर हम जो है फर्दर हम क्या कहते हैं, इफ जी इज के कलरेबल बट नॉट के माइनस वन कलरेबल, कि उसको हम के कलर्स तो कर सके लेकिन उससे कम कलर्स जो है वो पॉसिबल ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि फोर वर्सेस हैं, तो चारों को जो है हम डिफरेंट कलर दे दें, तो वो फोर कलरेबल तो हो गया, लेकिन एक्चुअली जो है उसको तीन कलर्स के साथ भी पॉसिबल है, थ्री कलर्स के साथ भी उसको पॉसिबल है। तो हम क्या कहेंगे कि वो उसका जो है वो के माइनस वन कलरेबल नहीं होना चाहिए। तो थ्री है तो थ्री से कम पॉसिबल नहीं है, कि हमें कम से कम जो है तीन कलर्स तो लेने ही है। तो वो थ्री कलरेबल है लेकिन थ्री से कम कलर्स जो है उसमें पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर उससे कम पॉसिबल ना हो कलर्स लेना, तो वी से दैट कि जी इज के क्रोमेटिक, वो जो है के क्रोमेटिक जो है वो बन जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्राफ जो है वो के इक्वल है, क्रोमेटिक नंबर जो है ग्राफ का वो के इक्वल होगा। तो ये कलरिंग जो है वो के क्रोमेटिक के उससे कम कलर्स जो है वो पॉसिबल ना हो, ठीक है, और जितना वो कम से कम नंबर है जिससे हम कलर कर सकते हैं वो जो है उसका जो है क्रोमेटिक नंबर कहलाता है। और इसको जो है एक्साई जी जो है उससे डिनोट किया जाता है। ये एक्स जो है थोड़ा सा स्टाइलिश एक्स जो है उससे डिनोट किया जाता है, तो एक्स जी से जो इसको डिनोट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर जो है अगर इस ग्राफ की जो है वो बात करें, ठीक है, तो इस ग्राफ में जो है इसको जो है अल्फा कलर दिया गया है, इसको जो है बीटा दिया गया है, इसको गामा दिया गया है, इसको डेल्टा दिया गया है, और इसको अल्फा दिया गया है। तो ये जो है इन कलर्स के साथ इसको जो है कलर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इससे कम कलर जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो क्रोमेटिक नंबर है वो हमारे पास फोर के इक्वल आ जाता है। तो मेन चीज जो है, जो बेसिक जो चीज है वो हमारे पास जो है वो ये चीज आती है।
ऑब्वियसली फिर क्या है कि जो कंप्लीट ग्राफ है उसमें हमारे पास जो है क्या होगा कि उसका क्रोमैटिक नंबर जो है वो n होगा, क्योंकि उसमें हर वर्टेक्स को जो है वो डिफरेंट कलर्स ही देने पड़ेंगे। तो अगर साइकिल है तो साइकिल में क्या करना होगा, अगर लेट्स से मैं ये साइकिल C5 बनाता हूँ, तो C5 अगर साइकिल है तो इसमें भी अगेन जो है लेट्स से अगर इसको ब्लू दे रहे हैं तो इसको ब्लू दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, लेकिन इसको ब्लू नहीं दे सकते तो ये जो है अब डिफरेंट कलर इसमें आएगा। तो अगर इसको ग्रीन दे दिया है तो इसको ग्रीन दे सकते हैं, ये दो ग्रीन आ गए, लेकिन अब ये वाला जो कलर है ये ना तो ब्लू हो सकता है ना ग्रीन हो सकता है, तो इट मीन्स दैट इसको हम जो है रेड से रेड कर, इसका जो साइकिल है C5 इसका क्रोमेटिक नंबर जो है हमारे पास वो 3 आ जाता है। लेकिन अगर साइकिल जो है हमारे पास इवन साइकिल हो तो इसको अगर हम देखें तो लेट्स से अगर हम इसको ब्लू दे रहे हैं इसको भी ब्लू दे सकते हैं, इसको भी ब्लू दे सकते हैं क्योंकि ये आपस में एडजेसेंट नहीं है। तो अगर हम ग्रीन की बात करें तो इसको ग्रीन दे सकते हैं, इसको ग्रीन दे सकते हैं और इसको ब्लू दे सकते हैं क्योंकि ये आपस में एडजेसेंट नहीं है। तो इट मीन्स दैट के जो क्रोमेटिक नंबर है जो इवन साइकिल है वो क्रोमेटिक नंबर 2 आ जाता है और जो ऑड साइकिल्स हैं उनका क्रोमेटिक नंबर जो है वो 3 आ जाता है। लेकिन अगर इसी से साइकिल जो है वो बना दें, साइकिल से जो है अगर हम व्हील बना दें तो व्हील ग्राफ जो है वो इस तरीके से जो है हमारे पास करकर इसको जो है ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। तो ऑफकोर्स जो है इन तीनों में से कोई भी कलर जो है इसको नहीं दिया जा सकता तो नया ही कलर देना पड़ेगा। तो लेट्स से हम इसको कलर जो है वो ये और यहाँ पर भी अगर हम इसका जो है वो व्हील कंप्लीट करते हैं, व्हील जो है बना रखते हैं इस ग्राफ से, साइकिल से व्हील बना रखते हैं तो ऑफ कोर्स ये जो दो कलर्स हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें जो है वो थर्ड कलर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है अब ना तो ग्रीन यूज़ हो सकता है ना ब्लू यूज़ हो सकता है, तो हम यहाँ पर जो है लेट्स से रेड यूज कर देते हैं। तो सिमिलरली आप सब ग्राफ्स जो है उनके बारे में जो है वो जज कर सकते हैं कि उसमें जो है हमारे पास जो उसकी क्रोमेटिक नंबर है वो क्या होगा। अगर हम मजीद जो देखें तो लेट्स से अगर हमारे पास बाइपार्टाइट ग्राफ है या कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है तो लेट्स से कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ के 4-3 हम बना सकते हैं। अगर कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ आप बना रखते हैं तो इसका जो है जो क्रोमेटिक नंबर है वो क्या होगा, हाँ जी तो बता सकता है मैसेज में बता दें या ऑडियो ऑन करके बता दें कि क्रोमेटिक नंबर उसका क्या होगा। थ्री बता रहे हैं जी, 3 होगा।
थ्री से कम क्या पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कोमल से सब एग्री करते हैं या कोई डिफर कर रहा है कोमल के साथ? फोर टू, तो अब तीन जो है वो आ गए हैं, एक और टू, टू थ्री और फोर। अबू बकर भी कह रहे हैं कि टू हुई है। टू को ज्यादा वोट मिलते जा रहे हैं। आयशा सनाला भी कह रही है कि टू ही है। मास्टर साहब तो टू पर कंक्लूड कर रहे हैं। साकिब साहब जो है वो अभी तक फोर से थ्री पर तो आ गए हैं, लेकिन वो टू मानने को तैयार नहीं है। सुनील भी थ्री कह रहे हैं, साकिब भी फोर कह रहे हैं, साकिब फिर फोर कह रहे हैं। अगर मिनिमम थ्री पॉसिबल है साकिब, तो आप फिर फोर क्यों कह रहे हैं? हम तो क्रोमेटिक नंबर जो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मिनिमम से मिनिमम नंबर्स हमें चाहिए, कलर चाहिए जो कि हम उसको असाइन करें। बाकी लोग ये थ्री तो मतलब उसके बनते हैं फिर, आई थिंक थ्री ये सही है। बीरा ने हैंड रेस किया हुआ, बीरा बताएंगे क्या कहना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं आप? तो बेसिकली जो है जो यहाँ पर जो है सिंपल सिचुएशन है कि आप एक जो पार्टीशन है लेट्स से उसको हम ब्लू कलर दे देते हैं, और जो दूसरी पार्टीशन है उसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। तो टू कलर जो है उसके साथ अब पॉसिबल है, क्योंकि आप देखें ग्रीन की ब्लू के साथ हैज है, ग्रीन की ब्लू के साथ हैज है, सारी एजेस जो है ग्रीन की ब्लू के साथ ही हैं। ग्रीन की ग्रीन के साथ कोई एज नहीं है और ब्लू की ब्लू के साथ कोई एज नहीं है। तो एक्चुअली जो है जो बाइपार्टाइट ग्राफ हम बनाते हैं वो भी हम एक्चुअली जो है उसकी टू कलरिंग ही कर रहे होते हैं। तो कोई भी जो बाइपार्टाइट ग्राफ है वो एक्चुअली जो है वो टू कलरेबल होता है, या उसका क्रोमेटिक नंबर जो है वो टू है। तो मिनिमम जो नंबर है हमारे पास वो टू चाहिए, तो जो बाइपार्टाइट ग्राफ है उसको असाइन करने के लिए। तो जो साइकिल C6 था वो भी एक्चुअली बाइपार्टाइट ग्राफ था, तो उसमें भी क्रोमेटिक नंबर टू आया था हमारे पास। लेकिन जो साइकिल C5 था वो क्योंकि बाइपार्टाइट नहीं था, तो दैट्स व्हाई उसमें टू नहीं बल्कि थर्ड कलर भी हमें यूज करना पड़ा। तो क्रोमेटिक नंबर वन तो जो है यहाँ पर जैसे बताया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है तब पॉसिबल है जब हमारे पास ग्राफ जो है वो नल ग्राफ है। अगर एक भी एज आ गई ग्राफ के अंदर, नल ग्राफ वो जिसमें कोई भी एज मौजूद नहीं है, तो अगर ग्राफ के अंदर एक भी एज आ गई तो हमें दो कलर तो एटलीस्ट यूज करना ही पड़ेगा। दैट इज अ थिंग, जो क्रोमेटिक नंबर है वो ऑलवेज
आप ये कह सकते हैं कि टू या टू से ग्रेटर ही होता है, तो नल ग्राफ जो है क्योंकि उसको हम बेसिकली डिस्कस नहीं करते। तो जैसे ये यहाँ पर जो है बताया गया कि क्रोमेटिक नंबर टू कब होगा, इफ एंड ओनली इफ जो ग्राफ है हमारे पास वो नॉन नल बाइपार्टाइट ग्राफ हो, नल ना हो लेकिन बाइपार्टाइट ग्राफ हो, ठीक है। तो जैसे हमने बाइपार्टाइट ग्राफ को जो है टू कलर के साथ डिनोट कर दिया, तो और हर ट्री जो है वो बाइपार्टाइट होता है, तो हर ट्री इसलिए फिर क्या हो जाएगा वो टू कलर हो जाएगा। और एनी साइकिल विद इवन नंबर ऑफ वर्सेस, एनी साइकिल विद इवन नंबर ऑफ वर्सेस वो भी हमारे पास जो है वो कोई भी जो हमारे पास बाइपार्टाइट ग्राफ है जो इवन साइकिल है वो भी क्योंकि बाइपार्टाइट ग्राफ होता है, तो दैट्स व्हाई उसमें भी जो है हम उसको ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ग्राफ है वो टू कलरेबल होगा, उसका क्रोमेटिक नंबर जो है वो टू के इक्वल होगा। या आप इसमें जो फर्दर जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड आउट कर सकते हैं साथ में क्या जो है वो तो यहाँ पर जो ये बताया गया कि इट इज नॉट नोन विच ग्राफ आर थ्री क्रोमेटिक। तो जिस तरह से हमने कह दिया कि टू कलरिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइपार्टाइट ग्राफ्स की होगी, तो यहाँ पर हम ये चीज़ जो है वो नहीं डिड्यूस कर सकते, यही हम ये चीज़ नहीं कंक्लूड कर सकते कि जो हमारे पास थ्री कलरिंग वाले ग्राफ है वो कौन से होंगे। तो ऐसे ग्राफ जिनके क्रोमेटिक नंबर थ्री है वो कौन से जो है वो ग्राफ होंगे जिनका क्रोमेटिक नंबर जो है वो थ्री होगा, तो ये चीज हम कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है जी, साइकल ग्राफ जिस तरह व्हील ग्राफ जो है जिसमें ऑड नंबर ऑफ वर्सेस हो, या पीटरसन ग्राफ जो है, पीटरसन ग्राफ है यहाँ पर जा गया है तो ये भी जो है वो थ्री कलरेबल है, तो वो ऑड नंबर ऑफ वर्सेस वाले जो है जिस तरह मैंने साइकिल C6 से जो है वो व्हील बनाया था, तो वो उसमें जो है वर्सेस 7 आ जाते हैं हमारे पास, तो वो इसलिए जो है ऑड नंबर ऑफ वर्सेस वाला जो है वो हम व्हील की बात कर रहे हैं, तो उसका जो क्रोमेटिक नंबर है वो आपको याद होगा कि मैंने थ्री कहा था। इसी तरह से पीटरसन ग्राफ को जो है उसको भी थ्री कलर के साथ जो है वो कलर करना पॉसिबल है। तो एज एन एग्जाम्पल जो है आप इसको ड्रॉ करके जरा देखें कि पीटरसन ग्राफ का थ्री कलर्स के साथ पॉसिबिलिटी है या नहीं, अगर आप इसको सक्सेसफुल होते हैं तो फिर आप जो है वो ज़रा मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ जी हमने पीटरसन ग्राफ को जो है थ्री कलर कर दिया है, पीटरसन ग्राफ की ट्राई करें जी। पीटरसन ग्राफ को हम यहाँ पर स्केच भी कर सकते हैं,
ये आप देख सकते हैं कि जो थ्री कलर्स हैं उसके साथ हमने इसको जो है कलर कर दिया। ठीक है जी, तो कोई सभी जो दो कलर्स हैं वो जो एडजेसेंट हैं वो एक्चुअली जो है वो डिफरेंट कलर से। उस वक्त मैं बोल नहीं था रहा, मैं तो सिर्फ आपको जो है टास्क दिया हुआ था, आप लोग करते तो साथ साथ मैं भी जो यहाँ पर सॉल्व कर रहा था, तो अब आई थिंक आपको तो सारी जवाब आ गई। तो ये जो है पीटरसन ग्राफ के लिए फिर ये चीज़ आ जाती है। तो जो पहला जो रिजल्ट है हमारे पास वो ये है कि एक जी इज अ सिंपल ग्राफ, अगर जो है हमारे पास एक ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है जिसमें जो है लार्जेस्ट डिग्री जो है वो डेल्टा के इक्वल है, देन जी इज डेल्टा प्लस वन कलरेबल। तो उसका जो है डेल्टा प्लस वन कलरेबल होना जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पर ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि इसने ये कहा है कि डेल्टा प्लस वन जो है वो कलरेबल है, इसने क्रोमेटिक नंबर जो है वो नहीं कहा। ठीक है, तो ये दैट इज नॉट द क्रोमेटिक नंबर, नॉट द क्रोमेटिक नंबर। तो डेल्टा प्लस वन कलरेबल होने का मतलब क्या है कि जो उसकी मैक्सिमम डिग्री है ग्राफ के अंदर उससे एक ज्यादा कलर्स जो है वो पॉसिबल हैं ग्राफ को कलर करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो उसका क्रोमेटिक नंबर नहीं होगा। क्रोमेटिक नंबर क्या है कि जितने कम से कम कलर्स जो है वो पॉसिबल हो। तो ये कलरेबल हम कह रहे हैं कि इतने कलर्स के साथ उसको हम कलर कर सकते हैं। तो सिंपल इसमें जो है वो जो है हम इंडक्शन से जो इसको प्रूव कर देते हैं कि लेट जी बी सिंपल ग्राफ ऑन एन वर्सेस। तो हम अगर एक वर्टेक्स है वो उसमें से रिमूव कर देते हैं तो ग्राफ क्या हो जाएगा, सिंपल ग्राफ हो जाएगा एन माइनस वन वर्सेस का, लेकिन उसमें लार्जेस्ट डिग्री जो है फिर भी क्या हो सकती है, वो डेल्टा ही हो सकती है। तो अगर वो डेल्टा हो सकती है तो उसमें क्या हो सकता है कि उसका फिर डेल्टा प्लस वन कलरेबल होगा। इंडक्शन स्टेप से कि हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि एन माइनस वन वर्सेस के ऊपर। तो यहाँ पर आप इस चीज को नोट करें कि जब हमने उसमें से एक जो है वो वर्टेक्स रिमूव कर दिया, एक वर्टेक्स जब रिमूव कर दिया तो वर्सेस कितने हो गए, एन माइनस वन हो गए। लेकिन हो सकता है कि हमने मैक्सिमम डिग्री वाला रिमूव किया हो सकता है हमने मैक्सिमम डिग्री वाला रिमूव ना किया हो, तो उसमें जो है फिर भी मैक्सिमम डिग्री जो है वो कितनी हो सकती है, उसमें मैक्सिमम डिग्री जो है वो डेल्टा हो सकती है। तो हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि एन वर्सेस के लिए हमारे पास डेल्टा प्लस वन कलर जो है वो काफी है, इतने कलरेबल वो होगा, लाजमी तौर पर इतना कलरेबल होगा। तो एन माइनस वन के लिए भी वो डेल्टा प्लस वन कलरेबल ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका जो है उसकी भी मैक्सिमम डिग्री जो है वो डेल्टा है। तो एन के लिए हम प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन हम अज्यूम क्या करते हैं कि एन माइनस वन के लिए ये बात जो है वो ट्रू है। तो एन माइनस वन के लिए ये बात ट्रू लेकर चले तो वो फिर जब आप नया जो वर्टेक्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके अगर जो है डिग्री आप डेल्टा भी लेकर आएंगे, जिस वर्टेक्स को रिमूव किया है उसकी अगर डिग्री डेल्टा
अच्छा जी, तो हम यहाँ पर जो है बात कर रहे थे कि जो हमारे पास जो ग्राफ है, फिर उसमें जब हम दोबारा जो है वापस जो वर्टेक्स वी जो हमने रिमूव किया है उसको जब हम दोबारा लेकर आएंगे, तो उसकी मैक्सिमम डिग्री जो है अगर वो हमने डेल्टा रखी हुई है, तो जैसे लेट्स से यहाँ पर हम वो वर्टेक्स बना रखे हैं, ये वर्टेक्स जो है वो बना रखे हैं, और उसको जो है जब अटैच करना है बाकी सभी वर्टेक्स के साथ, तो वो उसकी हो सकता है कि मैक्सिमम डिग्री जो है वो डेल्टा हो, ठीक है। तो वो जो पहले से जो वर्सेस कलर हैं वो तो सारे के सारे वही रहेंगे, क्योंकि उनकी आपस में कोई एज नहीं आनी, तो वो यहाँ पर जो है आप जो +1 जो एक्स्ट्रा वर्ड जो लेबर जो कलर आपके पास मौजूद है, वो आपके पास एक्स्ट्रा जो कलर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर इसके सारे के सारे जो है वो डेल्टा यहाँ पर कलर्स यूज हो जाएंगे, तो डेल्टा +1 कलर जो है वो यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो दैट्स वाई जो है डेल्टा +1 कलर के साथ इसको जो है वो कलर करना जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्सेस +1, नंबर ऑफ वर्सेस +1, जो नंबर ऑफ वर्सेस है उससे एक ज्यादा जो है वो आपने लेना है। तो इसी चीज को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करते हैं, तो हम जो है वो ये भी कह सकते हैं कि कोई भी जो ग्राफ है, सिंपल कनेक्टेड ग्राफ जो है, विच इज नॉट कंप्लीट ग्राफ, इफ द लार्जेस्ट डिग्री जो है वो हमारे पास डेल्टा है, देन इट इज डेल्टा कलरेबल। तो डेल्टा कलरेबल जो है वो होने की वजह क्या है कि अगर लेट से जैसे मैं यहाँ पर जो है एज एन एग्जाम्पल जो है यहाँ पर जो है अगर मैं स्केच करूँ, तो लेट से एक ग्राफ है जिसमें ये दो वर्सेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री जो है वो मैक्सिमम है, लेट से इन दोनों की डिग्री जो है वो 4 है, तो ये इस तरीके से। तो अगर इसकी डिग्री 4 है तो ये 1, 2, 3 और ये 4 आ गए, ठीक है। और अगर इसकी भी डिग्री 4 है तो 1 डिग्री तो ऑलरेडी ये हो चुकी है, 2, 3 और 4। तो आप अगर कलरिंग करना चाहेंगे तो कलरिंग क्या करेंगे कि आप जो है इन दोनों को तो ऑफ कोर्स डिफरेंट कलर देंगे, इसको भी डिफरेंट कलर दे दिया, और इन सब को जो है वो भी जो है आपको इसके अलावा कलर देना होगा। लेकिन आप जो है ये देखें कि इनमें जो है आपस में एजेस होना वो कंप्लीट ग्राफ बना देगा, तो कंप्लीट ग्राफ तो क्योंकि है नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि लेट से यहाँ पर जो है ये कलर आ गया, अब ये कलर यहाँ पर नहीं आ सकता लेकिन ये कलर यहाँ पर आ सकता है। तो एक्चुअली उनका जो है एडजेसेंट होना या ना होना, या एडजेसेंट हो तब भी एडजेसेंट ना हो तब भी जो है वो आप क्या कर सकते हैं, जो मैक्सिमम डिग्री है उसके साथ साथ जो है वो 4 कलर के साथ इसको कलर करना पॉसिबल है। तो ये ब्रूक्स थ्योरम जो है वो एक्चुअली जो है वो ये बताता है कि जो मैक्सिमम डिग्री है +1 नहीं बल्कि मैक्सिमम डिग्री के साथ भी हम कलर इसको कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिग्री आप देख लें कि ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री क्या है, और उस मैक्सिमम डिग्री के मुताबिक जो है आप उसको कलर कर सकते हैं। तो जो है फिर हमारे पास जो है जो प्लेनर ग्राफ है उसके ऊपर आ जाता है कि एवरी प्लेनर ग्राफ इज 6 कलरेबल, हर प्लेनर ग्राफ जो है वो 6 कलरेबल होता है। तो हमारे पास जो है जो यहाँ पर जो हम रिजल्ट जो एक्चुअली यूज कर रहे हैं वो रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम डिग्री जो है जो ग्राफ के अंदर जो है वो उसके अंदर जो है जो हमने प्लेनर ग्राफ की जो बात की थी जो लास्ट लेक्चर में जो बात की थी, अगर हम उसको दोबारा से जो है वो रिकोड कर देते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली जो है हम उसमें जो है एक वर्टेक्स जो है वो 5 या 5 से लेस डिग्री का जो है वो जरूर होगा। एक्चुअली जो है हम इस चीज को जो है यूज करेंगे कि जो वर्टेक्स हम रिमूव कर रहे हैं वो 5 या 5 से लेस डिग्री वाला जो वर्टेक्स है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो वो 5 या 5 से लेस डिग्री वाला जो वर्टेक्स है उसको, ये लेट्स से ये 5 डिग्री वाला वर्टेक्स है इसको रिमूव करें,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है वो एन माइनस वन वर्सेज हो जाएंगे, और इंडक्शन से क्या हो जाएगा वो भी सिक्स कलरेबल होगा। तो जब हम ये वाला वर्टेक्स इसमें ऐड कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि आप जो है वो जो इसके साथ अटैच फाइव वर्सेस हैं उनको वो फाइव कलर्स डिफरेंट आपने दिए होंगे, या डिफरेंट नहीं भी हो तो तब भी बात ठीक है, अगर फाइव डिफरेंट भी हो तो सिक्स कलर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो दैट्स वाई जो है हर प्लेनर ग्राफ जो है वो सिक्स कलरेबल जो है वो बन जाता है। तो वो बहुत सिंपल जो है वो चीज़ जो हमने वहाँ पर जो बात की थी उसके बारे में, उसी से जो है हम उसको यूज करते हैं या यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है हमारे पास चीज आ जाती है कि हम कलरिंग जो है वो किस तरह से जो है वो कर सकते हैं सिक्स कलर के साथ। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जो है जो रिजल्ट है वो हमारे पास ये है कि एवरी प्लेनर ग्राफ इज फाइव कलरेबल, हर प्लेनर ग्राफ जो है वो फाइव कलरेबल जो है वो भी होता ही है। तो इसका जो प्रूफ है उसको मैं जो है इसको जो है प्रूफ को हम जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं। तो लेकिन इसके मजीद जो है जो बेहतर जो रिजल्ट है वो ये है कि एवरी प्लेनर ग्राफ इज फोर कलरेबल। तो फाइव कलर के लिए तो वो प्रूफ मौजूद है, लेकिन ये जो फोर कलर वाला है ये एक्चुअली जो है ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है जो कि एप्पल और हैंकर ने जो है वो 1976 में जो है वो प्रूफ किया था, और फेमस जो है ये फोर कलर थ्योरम के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो वो प्लेनर ग्राफ हो, अगर प्लेनर ग्राफ जो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर से कि ऐसा ग्राफ जिसको कि प्लेन में ड्रा कर सके विदाउट द क्रॉसिंग, वो जो ग्राफ है हमारे पास वो प्लेनर ग्राफ कहलाता है। तो वो जो है प्लेनर ग्राफ जो है, अगर प्लेनर ग्राफ आपके सामने आ जाएगा तो आपने उसको फोर कलर के साथ जो है वो लेबल करके दिखाना है, कलर करके दिखाना है आपने। ठीक है, तो हर प्लेनर ग्राफ जो है वो फोर कलरेबल जरूर होगा। ये जो है इस तरीके से हम उसको जो है वो किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर जो है ये प्लेनर ग्राफ था, और इसमें जो है आपको पता ही है कि इसमें फोर कलर्स ही हमने यूज किए थे, और फोर कलर के साथ उसको हमने कलर कर दिया था। तो ये जिस तरह से एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख सकते हैं इसमें जो है क्रोमेटिक नंबर जो है वो क्या इनका आता है। ठीक है, इनको जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। ये ब्रूक्स थ्योरम जो है उसका वो डेल्टा कलर के साथ जो है वो प्रूफ बताया गया कि डेल्टा कलर के साथ जो है वो किस तरह से उसको कलर किया जाता है। ठीक है, जो मैप्स हैं मैप्स में जो है वो कलरिंग जिस तरीके से चलती है वो ये कि जो आपके नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनको आपने डिफरेंट कलर्स देने हैं। तो जो जैसे ये दो जो है ये आपस में नेबर नहीं है, लेकिन इन दोनों को सेम कलर वाइट जो वो दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर जो थोड़ा सा इसको गौर करें तो ये व्हाइट और व्हाइट क्यों दिया गया, क्योंकि इनका बॉर्डर जो है वो कनेक्टेड नहीं है। इसको भी व्हाइट दे दिया क्योंकि इनका भी बॉर्डर कनेक्टेड नहीं है, इनको भी व्हाइट दे दिया क्योंकि इसका भी बॉर्डर आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो ये इस तरीके से जो है कलरिंग ऑफ मैप्स जो है वो डिफाइन किया जाता है। तो ये जो है कलरिंग ऑफ मैप्स जो है एक्चुअली जो प्लेनर ग्राफ्स हैं उन्हीं के लिए जो है वो डिफाइन किया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है हम फेसिस को जो है वो कलर कर रहे होंगे, यहाँ पर जो हम फेसिस को कलर करने की बात कर रहे होंगे। ये जो चीज है ये इम्पोर्टेंट है। पता नहीं बेटा कीड़ा है ये। तो सेम जो कॉन्सेप्ट है वो फिर हम इसको जो है लेकर चलते हैं, अभी हम इसको बीच में से स्किप कर रहे हैं। जो कलरिंग ऑफ एजेस है, ठीक है, वो जो सेकंड जो पार्ट है वो फेसेस के लिए, फेसेस वाले को हम थोड़ा सा जो स्किप कर रहे हैं, हम जो है एजेस के ऊपर जब वो चले जाते हैं कि अब एजेस में भी जो है वो सेम चीज है कि हमने जो एजेस है उनको कलर करना है, लेकिन कलर किस तरीके से करना है कि हमारे पास जो एडजेसेंट एजेस है एजेस जो है सेम वर्टेक्स के साथ इंसिडेंट है उनको हमने सेम कलर नहीं देना। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर इन तीन एजेस की बात करें
दिस एज एंड दिस एज एंड दिस एज, ये तीनों एजेस जो है इस एक वर्टेक्स पर मिल रही है, तो दैट्स व्हाई हमने इसको 1, 2 एंड 3 डिफरेंट कलर जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हम जो है वो 3 कलर दे सकते हैं, क्योंकि इसके दरमियान में जो है वो सेम एज मौजूद नहीं है, वो जो इसको हम एक्चुअली 1 कलर नहीं दे सकते, क्योंकि 1 जो है वो फिर इसके साथ अटैच हो रहा था, दैट्स व्हाई हमने 3 दे दिया। 2 भी दे सकते थे, 2 यहाँ पर दे दिया, ठीक है। 2 और 3 अब एडजस्टेंट नहीं है, यहाँ पर हम ना तो 1 दे सकते हैं, ना 2 दे सकते हैं, ना 3 दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 देंगे तो फिर ये दोनों एडजस्टेंट हो जाएंगे, अगर 2 देंगे तो ये एडजस्टेंट हो जाएगा, 3 दे, इसलिए यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी 4 की ही बनती थी, तो हमने इसको 4 जो है वो दे दिया। यहाँ पर जो हमने 1 दे दिया है, यहाँ पर हमने 4 दे दिया, तो आप ये देख सकते हैं कि इसको हमने जो है मिनिमम नंबर से जो है वो, तो इसका जो क्रोमेटिक नंबर है, क्रोमेटिक इंडेक्स जो है उसको कहा जाता है। तो क्रोमेटिक इंडेक्स ऑफ चीज जो है वो क्या होगा, क्रोमेटिक इंडेक्स जो है वो हम जो एजेस को हम जो कलर्स कर रहे हैं वो आ जाएगा। तो कलर्स आप जो है वैसे जो कलर्स की बात होती है तो हम ज्यादातर जो वो ये करते हैं कि जी रेड ब्लू ग्रीन और इस तरह से कलर जो है वो ले लें, लेकिन अगर जो है किसी ग्राफ में 10 कलर्स यूज करने हों तो 10 कलर्स के नाम फिर हम या उनको फिर हम किस तरीके से वो डिफाइन करें, तो दैट्स व्हाई हम फिर कहते हैं कि कलर 1 है, कलर 2 है, कलर 3 है, कलर 4 है। जैसे यहाँ पर जो ये 1, 2, 3, 4 यूज किया, तो ये 1 जो है एक्चुअली कलर 1 को शो कर रहा है, 2 जो है वो सेकंड कलर को शो कर रहा है, 3 जो है वो थर्ड कलर को शो कर रहा है, एंड सो ऑन। ये जो है इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको जो है क्रोमेटिक नंबर नहीं बल्कि क्रोमेटिक इंडेक्स कहते हैं, वो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स, इतने कम से कम कलर्स के जब हम एजेस को कलर करें तो जो एडजेसेंट एजेस हैं, जो इंसिडेंट एजेस हैं सेम वर्टेक्स के साथ, उनका जो कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो क्रोमेटिक नंबर और क्रोमेटिक इंडेक्स जो है ये 2 चीजें जो है ये आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है जी। तो वाइजिंग थ्योरम जो है वो हमारे पास क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो है जो डी इज अ सिंपल ग्राफ विद लार्जेस्ट डिग्री जो है उसमें अगर डेल्टा हो तो फिर उसका क्रोमेटिक नंबर जो है या तो डेल्टा के इक्वल होगा या फिर उसका जो क्रोमेटिक नंबर है वो डेल्टा प्लस 1 के इक्वल होगा। तो ये जो है बिल्कुल क्लियरली जो है इस चीज को शो कर रहा है कि हमारे पास जो है जो मैक्सिमम डिग्री है या तो उसके इक्वल जो है क्रोमेटिक नंबर क्रोमेटिक इंडेक्स आ जाता है या फिर डेल्टा प्लस 1 जो है उसके इक्वल जो है क्रोमेटिक इंडेक्स जो है वो आ जाता है। तो ये जो है हमारे पास ये चीज को शो कर रहा है। और सिमिलरली जो है हमने यहाँ पर जो है ये व्हील ग्राफ के लिए बताया कि उसका क्रोमेटिक इंडेक्स जो है वो अगर हम साइकिल की बात करें तो उसमें जो है वो 2 तो ये जो है हमारे पास ये चीज जो है वो, तो कंप्लीट ग्राफ जो है उसके लिए हमारे पास ये है कि कंप्लीट ग्राफ जो है उसके लिए हमारे पास जो क्रोमेटिक इंडेक्स है वो n होगा अगर n ऑड है और क्रोमेटिक इंडेक्स जो है वो n माइनस 1 होगा अगर n जो है वो इवन है। तो इसको जो है वो देखा जा सकता है कि वो n इवन और ऑड के लिए जो है वो क्या जो है उन्होंने जो चीज़ है उसको यूज किया है कि आप जो है वो n और n माइनस 1 जो है वो किस तरीके से ला सकते हैं। तो 4 कलर थ्योरम जो है जो हमारे पास हमने पहले जब देखा हुआ है वो उसको जो है सेम हम कर सकते हैं कि क्रोमेटिक इंडेक्स जो है वो 3 के इक्वल होगा फॉर ईच क्यूबिक मैप, वो जो क्यूबिक मैप है उसके लिए जो है वो 3 कलर्स जो है वो काफी होंगे। तो ये जो है इसमें जो है जो क्रोमेटिक इंडेक्स है, क्रोमेटिक नंबर जो है वो ही ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप उसको जो देख लीजिएगा और इसलिए जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इनमें जो क्रोमेटिक इंडेक्स है वो क्या चीज़ है और किस तरीके से होती है। तो इसके बाद जो है क्रोमेटिक पॉलीनोमियल का आता है, लेकिन क्रोमेटिक पॉलीनोमियल जो है हम उसको जो है वो डिस्कस नहीं करते हैं, तो ये हम जो है इसको यहाँ पर ही जो है वो कंक्लूड कर देते हैं कि क्रोमेटिक बेसिकली जो है जो आज के टॉपिक में जो 2 चीज़ें आपने देखनी है वो यही कि क्रोमेटिक नंबर और क्रोमेटिक इंडेक्स जो है वो क्या होता है। तो उस चीज़ को जो है उसी चीज़ को जो हमने
यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया। तो एनी क्वेश्चन, भी कोई क्वेश्चन है कोई बात हो तो बताएं भी। तो अगर कोई क्वेश्चन या फिर नो क्वेश्चन तो फिर हम सेशन जो उसको एंड करते हैं। तो जो लास्ट हमने जो क्विज किया था वो लेक्चर 6 और 7 में से किया था। तो नेक्स्ट वीक जो है नेक्स्ट फ्राइडे को हमारा जो क्विज होगा वो लेक्चर 8 और 9 जो है उसमें से होगा। ठीक है जी, लास्ट क्विज होगा ये लेक्चर 8 और 9 में से। ठीक है जी, लेक्चर 8 और 9 इसमें से जो है लास्ट क्विज हमारा जो है वो इसमें से होगा। ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर रखता हूँ, इसकी जो है तैयारी आप शुरू करते हैं लेक्चर 8 और 9। ठीक है जी, तो कंक्लूड करते हैं।